जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पीछे का जो चला था उसमें से कोई क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा चलो तो आगे चलते हैं। अभी यहाँ ग्रहों की का जो आज का जो साइंस जो नाप लेकर उन्होंने रखा है उसकी डिटेल की चर्चा की है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये नाप टेंटेटिवली ही है, कोई पर्टिकुलर या परफेक्शन के साथ यहाँ आपको कोई भी चीज़ नहीं मिली, क्योंकि एक थियरिकल ये नाप रहेगा या कोई भी डिटेल रहेगी। अगर चंद्र इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है, तो भी ये सारी चीज़ें यहाँ थियरिकल मिलेगी। ठीक है, तो चंद्र का व्यास अथवा पृथ्वी का चतुर्थ भाग, देखो यहाँ समझने जैसी बात है, इन्होंने चंद्र का व्यास भी बोला है अथवा पृथ्वी का चतुर्थ भाग बोला है। इसका अर्थ ये हो गया कि इनके हिसाब से जो पृथ्वी का चौथा भाग है वही चंद्र का व्यास। समझ में आ रही है बात? हाँ, इन्होंने क्या किया है कि जितने पोर्शन से पृथ्वी के पोर्शन से चंद्र दिखाई दे रहा है, या पृथ्वी के ऊपर से चंद्र का जो जो एरिया से चंद्र एट अ टाइम दिखाता है, सिर्फ उतना ही पोर्शन ले लिया और उसको ही चंद्र का व्यास बता दिया। चंद्र का आकार जाके नहीं ना पाए, जैसे कि हम देखिए अभी इसी बात को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। हाँ, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। मान लो कि मैं मेरे घर के टेरेस के ऊपर से, मतलब सॉरी, मैं मेरी खिड़की से सामने वाले बिल्डिंग या बहुत दूर 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 अगर कोई बिल्डिंग है उसको मैं देख रही हूँ और मुझे बिल्डिंग का कुछ ही भाग दिखाई दे रहा है, मेरे यहां से मुझे बिल्डिंग का कुछ ही भाग दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा जो एरिया है उसका 1/4 भाग ही मैं देख रही हूं। समझ में आ रही है बात? अब मैं मेरे घर से बिल्डिंग का 1/4 भाग देख रही हूं, तो मेरा जो एरिया है मेरा पूरा, या मेरा जो बिल्डिंग है उसका ही ये 1/4 भाग हो गया। ये तो कोई समझ में आए ऐसी बात नहीं। आप पृथ्वी के ऊपर से चंद्र को देख रहे हो तो पृथ्वी का जो व्यास है उसका चौथा भाग चंद्र का है, ऐसा तो कोई पृथ्वी के ऊपर से चंद्र को देखने से ये कैलकुलेशन नहीं आ सकता। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, आप चंद्र पे एक जाओ, वहां का एरिया नापो, फिर बोलो कि ये इतना किलोमीटर है या इतना मीटर है, माइल है, तो ही उसका मतलब है। ठीक है, फिर भी मैं आगे जाती हूँ। हमें यही समझना है कि ये जो लिखा है वो कैसे किया हुआ है, इससे आपको कोई बात साबित ही नहीं हो रही। जैसे कि 2160 माइल या 3456 किलोमीटर, अब उसका ही उन्होंने 3 गुना कर लिया, 3 गुना करके 10864 किलोमीटर उसकी परिधि, मतलब उसकी गोलाई बता दी। अब आओ आगे, चंद्र की पृथ्वी से कितनी दूरी है, तो वो भी 3,81,171 किलोमीटर दूर है। चंद्र का तापमान 117 सेंटीग्रेड है जब सूर्य सिर पे हो तब, और रात के समय में उसका 137 सेंटीग्रेड है, और चंद्र सतह में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के छठे अंश जितना है। अब ये सारी चीज को दूसरे उसके तरीके से देखेंगे, पृथ्वी पर जो वस्तु का वजन 27 किलो है उसका वजन चांद पे 4.5 किलो है। अब एक बात आपको यहाँ समझना है, देखो ये सारी चीज लिखी हुई है, अगर आप सोचोगे कि पृथ्वी ऊपर अगर कोई वस्तु है, वो ही वस्तु, समझिएगा, वो ही वस्तु कभी भी चांद के ऊपर आप ले जाओ फिर देखो कि वो हल्की हो गई है तो मानोगे। जो 27 किलो है वहां सिर्फ 4.5 किलो बताया है। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? अगर वो वस्तु आप वहां ले जाओ, वहां के वातावरण में ले जाओ तो मालूम पड़ेगा। अब जितनी हाइट पे जाओगे वो वस्तु हल्की होती जाएगी, जो 27 किलो की जो वस्तु है वो वहां पे सिर्फ 4.5 किलो की वस्तु हो जाएगी। आप पहले तो ये सोचिए कि कोई भी चीज आप कितनी भी ऊंचाई पे लेके जाओ या कितनी भी दूरी पे लेके जाओ उसका वजन कैसे कम हो सकता है। यही बात समझनी है हमको। जितनी वस्तु, जितनी आप ऊंचाई पे जाओगे वो वस्तु हल्की होती जाएगी, या जितनी दूरी पे जाओगे वो वस्तु हल्की होती जाएगी।
चंद्र विस्तार या बिंब पृथ्वी का 100वां अंश है। चंद्र का जो विस्तार है या उसका जो बिंब है वो पृथ्वी से 100वां भाग है और उसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 5वां भाग है। चंद्रमा की गति 3169 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये कैसे मापा, तो क्योंकि जो पृथ्वी का जो पूरा जो किलोमीटर का जो परिधि का जो एरिया है उसको उन्होंने 3600 उसे कैलकुलेशन कर दिया है, मल्टीपल कर दिया है और ऐसे ही उसकी जो गति है वो घटाई, क्योंकि पृथ्वी का जो पूरा घूमने का जो एरिया है उसका अगर आप 24 से भागोगे तो प्रति घंटा आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चंद्र को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन और 7 घंटे और 43 मिनट लगते हैं क्योंकि वह लगभग इस गति से अपनी धुरी पर घूमता है। देखो यहां भी बात लगभग में आ रही है, लगभग इसका अर्थ ये समझना है कि जब भी चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करेगा एक फिक्स गति कभी नहीं होगी। लगभग का मतलब सरेराश, आज अगर थोड़े घंटे ज्यादा है तो दूसरे दिन थोड़े घंटे कम है। समझ में आ रही है मेरी बात? यही कारण है कि वो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट हर बार नहीं होगा। जितने नक्षत्र है वो नक्षत्र का पूरा भ्रमण कर लेगा तब वो पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा खत्म हो जाएगी। तो इस गति से वे अपनी धुरी पे घूमता है, उन्होंने चंद्र को अपनी धुरी पे घूमना बताया है। चंद्रमा से परे क्रमशः बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि आदि ग्रह है, ये सब पृथ्वी के समान ही भूमंडल वाले हैं और सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं। देखो यहां एक बात को नोट करो कि इनको पृथ्वी और सूर्य पे कोई भूमि नहीं दिखाई दे रही है, बाकी सारे ग्रह पे जमीन दिखाई दे रही है। इस बात को नोट करना है हमको, क्योंकि पृथ्वी पर जो जमीन, मिट्टी, घर मिलता है, पृथ्वी पे जमीन, घर, मकान सब कुछ है क्योंकि यहाँ जीवन है, वृक्ष है, लेकिन यहाँ जो उन्होंने बाकी के ग्रह देखे, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वहां पे उनको मिट्टी दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, लेकिन ना वहां पानी दिख रहा है, ना वनस्पति दिख रही है, ना मनुष्य दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। और सूर्य और चंद्र के ऊपर तो भूमि भी नहीं दिखाई दे रही है। समझ में आ रही है ये बात आपको? इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि ना उनको चंद्र के ऊपर जमीन तक दिखाई दे रही है और ना ही उनको सूर्य के ऊपर कोई जमीन दिखाई दे रही, लेकिन उनको मंगल पे, गुरु पे, ये दोनों पे उनको अवश्य जमीन दिखाई दे रही। बाकी दो की ग्रह का अभी भी आपको ऐसे पिक्चर बाकी के नहीं है, शुक्र में पे कोई जमीन नहीं दिख रही, बुध के ऊपर भी कोई ऐसे पिक्चर या फोटो नहीं आई है जहां उनको जमीन दिख रही हो। तो जमीन के हिसाब से वो ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि यहां पे मकान बन सकता है, यहां पे मनुष्य जीवन हो सकता है, ऐसी उनका अंदाजा है, लेकिन वो जमीन के ऊपर कोई मकान है या वहां कोई जीव जंतु रह रहे हैं या कोई जीवित पशु प्राणी रह रहे हैं ऐसा कोई भी पिक्चर्स या उल्लेख उनके पास नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था कि अगर ऐसे एक ही लाइन में सारे ग्रह है तो ये पृथ्वी पे जीवन है और बाकी के ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे ग्रह पे जीवन नहीं है, वहां पे वृक्ष नहीं है, यहाँ पे वनस्पति या पेड़ पौधे या जीवित प्राणी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि अगर यहां जीवन है तो यहां भी जीवन होना बहुत जरूरी, यहां भी जीवन होना बहुत जरूरी, क्योंकि एक ही लाइन में, एक ही वातावरण में, ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी अपना अलग से वातावरण लेकर घूम रही है। ये उनका जवाब है, ये जवाब कोई भी एंगल से सूट नहीं हो रहा है। आप हवा के अंदर हो तो हवा के अंदर आकाश में अगर सब ग्रह, सब पृथ्वी सब ग्रह के साथ है तो पृथ्वी ही एक स्पेशल एनवायरनमेंट लेकर आजू बाजू बैठी है और बाकी सारे ग्रहों के आजू बाजू ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ,
बाकी के ग्रह के ऊपर कोई जीवन नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, कोई बारिश नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, नहीं समुद्र दिख रहा है, और पृथ्वी के ऊपर ही सब चीज दिख रही है, तो दोनों एक ही लाइन में, एक ही डिग्री पे, एक ही लेवल पे, हाउ इट इज पॉसिबल? अगर इस प्रकार से अगर आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ग्रह खड़े हो, तो ये ग्रह के ऊपर सारा जीवन, ये जैसे मान लो ये बीच में पृथ्वी है और ये बाकी आगे के दो और दो ग्रह और पीछे के और बाकी के ग्रह, तो ये यहां आपको जीवन, पृथ्वी, सब चीज मिल रही है और यहां आपको ये सब कुछ नहीं मिल रहा, ये तो पॉसिबल नहीं है। जो वातावरण यहां आजू बाजू है वही, और ग्रह के अंदर, ग्रह के अंदर अलग वातावरण हो सकता है, ग्रह के बाहर तो वातावरण एक ही होगा ना, यहां बाहर एक होगा, यहां भी बाहर एक होगा। तो यहां बारिश हो रही है आपको पृथ्वी के ऊपर, यहां बारिश भी हो रही है, यहां तूफान भी आ रहा है, यहां हवा भी आ रही, और यहां नहीं आ रही, यहां नहीं आ रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? और यहीं पे जैसे ये पृथ्वी है तो यहां ये चंद्र घूम रहा है उसके आसपास ऐसे गोली, ऐसा उनका मानना है कि जैसे ये पृथ्वी है, मान लो कि ये पृथ्वी है, ये बाकी ग्रह, ये सूर्य, ये सूर्य, ये फिर बुध, ये शुक्र, फिर ये पृथ्वी, फिर मंगल, फिर गुरु। अब आपको यहां समझना है कि पृथ्वी के आसपास जैसे ये चंद्र है ऐसे गोल गोलाई में पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, ऐसा उनका मानना है, ये उनका मानना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो चंद्रमा, ये चंद्रमा घूम रहा है, तो चंद्रमा के बाद है मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि आदि सभी ग्रह, तो ये सब में भी पृथ्वी के समान भूमंडल कैसा हो गया? अगर है तो उनके अपने चंद्र भी होने चाहिए, वहां पे वनस्पति दिखनी चाहिए आपके पास पिक्चर में, मंगल के मैदान दिख रहे हैं, मंगल में जमीन दिख रही है, लाल रंग की मिट्टी दिख रही है, लेकिन वहां कोई मनुष्य, कोई मकान, कोई पशु, कोई प्राणी, कोई भी वनस्पति या वृक्ष नहीं दिख रहा है। तो ये चीज को हमें समझना है, आपको ये सोचना है कि भगवान ने कहा है कि पृथ्वी नीचे जमीन पे है और ये सारे ग्रह एक साथ ऊपर घूम रहे हैं, बिल्कुल सभी ग्रह में एक जैसा वातावरण, ये परमात्मा का कहना है। पृथ्वी ऐसे नीचे जमीन पे है, नीचे पृथ्वी ऐसे नीचे जमीन पे है और सारे ग्रह मंडल ऊपर घूम रहे, ऊपर उसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ऐसे हो गया। देखो ये मैं आज आपके सामने ऐसे लेकर बैठी हूं, परमात्मा ने इसको ऐसे बताया, एक खड़ी लाइन में आपको दिख रहा है, मैं बता रही हूं वो दिख रहा है। हाँ, तो जैसे कि ये लाइन में सूर्य ऐसे घूम रहा है पूरा गोल में, ऐसे ये पृथ्वी है, ये बराबर ऐसे गोल में सूर्य घूम रहा है, उसके ऊपर ये चंद्र घूम रहा है, इसके ऊपर ये बुध, शुक्र, लास्ट में शनि ग्रह, ऐसे ही लाइन से वो सारे ऐसे गोल घूम रहा है। ये जैसे आप मान लो ये मेरु पर्वत, बराबर मेरु पर्वत के ऐसे गोल 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 मंडलाकार घूम रहे हैं। समझ में आया? तो अभी ये सारे ग्रह की स्थिति तो एक ही है, जो वातावरण ये ग्रह में है वही वातावरण ये। अगर यहां आपको मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति यहां नहीं है, तो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां कहीं भी किसी में भी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश आपको नहीं मिलेगा। भगवान यही कह रहे हैं, यहां कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यहां मिलेगा जमीन के ऊपर, क्योंकि ग्रह मंडल यहां से 790 योजन ऊंचाई पे, ये ग्रह मंडल मतलब जो सबसे पहला जो ग्रह सूर्य घूम रहा है वो यहां से 790 योजन ऊपर है, जो ऐसे गोल घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ऐसे गोल। समझ में आ रहा है ना आपको? अभी दिख रहा है ना? बस ऐसे गोल घूम रहा है, मान लो ये सूर्य है, बराबर ऐसे घूम रहा है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र सब अपनी अपनी गति में ऐसे घूम रहे। तो अगर ऐसे वो घूम रहे तो हर जगह आपको एक ही वातावरण मिलेगा, आपको यहां से किसी भी ग्रह के ऊपर कोई जीवन नहीं मिलेगा, कोई यहां ना कोई वायु है, क्योंकि O2, देखो अभी यहां से ध्यान से सुनो, ये है जमीन, यहां से ऑक्सीजन या HO2 दोनों है, पानी भी, HO का मतलब H2O, H2O का मतलब ही है पानी, ऑक्सीजन और वायु दोनों मिलके पानी का सर्जन करते हैं। ये H2O, O फिर O1, O2, O3, ओजोन वायु है वो O3 है, पहले O H2O का लेवल O मतलब O0,
उसके बाद ओ वन, फिर ओ टू ऑक्सीजन, और उसके बाद आएगा ओ थ्री ओजोन, और उसके बाद ग्रह नक्षत्र। तो ये जो सारा जो वातावरण है वो ग्रह नक्षत्र के नीचे है। ग्रह नक्षत्र जहां से शुरू होंगे ना, कुछ एरिया तक आपको कोई ओ टू ओ थ्री नहीं मिलने वाला। ओ टू, अब जब ओ टू शुरू हो जाएगा वहां ओ भी नहीं मिलेगा, एच टू ओ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां एच टू ओ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों। जरा ऊपर जाओगे वनस्पति सब यहां पे है, वनस्पति के कारण ये सारी चीज टिक कर रह रही है। प्राण वायु और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वायु, ये दोनों ये वनस्पति के कारण है। उसके ऊपर आओ, थोड़ा सा ऊपर जाओगे ओ टू, फिर ओ थ्री ओजोन वायु। ओजोन वायु तो ऐसा है कि जहां पे हम लोग सांस भी नहीं ले सकते। तो ओ टू ओ थ्री तक का लेयर, उसके बाद के लेयर के बाद सीधे ग्रह नक्षत्र का लेयर है। तो ग्रह नक्षत्र के लेयर में तो आपको ये ओ टू ओ थ्री भी नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं कि आपको मिले। और जहां ऑक्सीजन नहीं, प्राणवायु नहीं, जहां एच टू ओ नहीं, वहां वनस्पति जीव जंतु और मनुष्य हो ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो पृथ्वी के कारण ही, ये जमीन के कारण ही, क्योंकि यहां एच टू ओ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और प्राणवायु जो हम लोग ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ रहे, और वही कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति ले रही है और वनस्पति प्राणवायु छोड़ रही। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहां मनुष्य मिलेंगे वहां वनस्पति होगी होगी, जहां जीव जंतु मिलेंगे जिनको ऑक्सीजन चाहिए वहां प्राणवायु छोड़ने वाला एक तत्व जरूर मिलेगा। और यही जगत का और संसार का न्याय। बहुत क्लियर बात है, क्लियर हो रहा है ना? हाँ। अब आप आओगे धीरे 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 ऊपर। अब एक बात समझनी है जो अभी मैं समझा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखो ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, मैं अभी अभी आपको ये फोल्ड करके बताती हूँ। देखो ये धीरे 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 पहले के आर्य में ये इतना ऊंचा था। देखो अब समझ में आ रहा है आपको? ग्रह नक्षत्र इतने ऊपर थे, इतने ज्यादा ऊपर थे। अब ये जमीन से सूर्य कितना इतना ऊंचा हो गया? अच्छा। ये आपके, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये ऊंचाई 790 ही थी, पर 90 योजन, पर किसके 790 योजन? जो पहले आरे के लोग थे उतनी, उसकी 790 योजन। क्लियर हो रहा है? क्योंकि योजन का नाप हमेशा मुट्ठी, अंगुल प्रमाण, फिर पूरी उंगली, फिर मुट्ठी, फिर वेद, ऐसे ही नापा जाता है। हमेशा हमेशा ऐसे ही योजन जाएगा, फिर दो हाथ ऐसे खड़े करोगे तो उसको एक धनुष मानोगे, है ना? ऐसे दो हाथ लंबे करो और खड़े करेगा, इंसान खड़ा होगा तो उसको धनुष माना जाएगा। फिर ऐसे ही ज्यादा आगे 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 2000 धनुष बराबर एक योजन। तो मूल तो उंगली से ही शुरू हुआ ना, उंगली मुष्टी और वेद से ही शुरू हुआ ना धनुष तक पहुंचना। तो जो तीन गांव की काया, एक तीन गांव की काया वाला इंसान है, उसकी मुट्ठी, उसकी उंगली डेफिनेटली ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा बड़ी होगी। तो उसकी उंगली और उसकी मुष्टि के हिसाब से अगर देखेंगे तो वही 790 योजन, इतनी ज्यादा 700, उनके 790 योजन के नाप के हिसाब से पूरा यहां से यहां तक इतनी ऊंचाई थी, इतनी ज्यादा, जो हम मेरे एक बिल्लस से भी ज्यादा होती, मेरे एक सवा डेढ़ बिल्लस जितनी हो रही, इतनी जगह और बच रही है, ठीक है? फिर जैसे जैसे दूसरा आया, आरा आया, तीसरा आरा आया, ये धीरे 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 नीचे उतरता गया, नीचे उतरता गया, नीचे उतरते उतरते ये कितना रह गया? सिर्फ एक बिल्लस जितना ये थोड़ा थोड़ा नीचे उतरा। समझ में आ रहा है? फिर और ये नीचे उतरता गया। जब तीसरा आरा शुरू हुआ भगवान के वक्त, तब ये बिल्कुल आधा बिल्लस जितना हो गया। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस। और अब जब पांचवा आरा आएगा, जब आदेश्वर परमात्मा से लेके 24 तीर्थंकर परमात्मा, मतलब पांच सात हाथ की काया भगवान महावीर स्वामी की,
तब तक ये नीचे उतरता उतरता गया, और जैसे ही वो ऊपर से नीचे उतर रहा था तो धीरे धीरे हमारा पहले संग्रहण से हम छठे संग्रहण में आ गए। आज सबका छठा संग्रहण है, पहला संग्रहण किसी का नहीं। पहले छह के छह थे, किसी का छठा रहता था, किसी को पांचवा, किसी को चौथा, किसी को तीसरा, किसी को दूसरा, किसी को पहला, सबको अपने अपने कर्म के हिसाब से संग्रहण मिल रहा था। लेकिन ऐसा समय आया कि धीरे धीरे ये सात हाथ तक की काया हो गई, तब तक छह के छह संग्रहण थे और तब मोक्ष भी जा सकते थे। वो ये पीरियड था जब इतना फर्क था, इतना ही फर्क था, ग्रह नक्षत्र इतने उतर चुके थे। आपको ये दिख रहा होगा, देखो कितना नजदीक आ गया, ज्योतिष चक्र इतना नीचे उतर गया, ठीक है। अब धीरे धीरे ये पांचवे आर में है, छठे आर तक तो ये यहां तक नीचे उतर जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो जैसे जैसे ये नीचे उतर रहा है ना, देखो एक नोट करो, एक बात को नोट करो, जैसे जैसे ये पहले से अंतिम संग्रहण में आने में साइंटिफिक रीजन क्या है, जब ये ऊपर था तो ओजोन वायु की परत ज्यादा थी, ओजोन वायु की परत ज्यादा थी। आज का साइंस ये बात कह रहा है कि ओजोन वायु हमारे तक सूर्य के किरणों को पहुंचाने में बहुत ही नरम बना देता है। ओजोन वायु का लेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो सूर्य की गर्मी को हम तक बहुत कम पहुंचाता है। यही कारण है कि आज से 25-30 साल पहले जो 40 डिग्री गर्मी हाईएस्ट होती थी और यहां तक कि पालनपुर, डीसा, नखी तालाब सारा बर्फ बन जाता था ठंडी के सीजन में, आपको ये पता होगा जब से ये 50 डिग्री हुई है गर्मी, तब से ये बर्फ होना बंद हो चुका है। पता है ये? नहीं। मटके का पानी भी बर्फ हो जाता था बाहर। पालनपुर में नवंबर दिसंबर में ठंडी की सीजन में बाहर पानी का मटका रखा हो तो वो भी बर्फ बन जाता था। इतनी ठंडी थी क्योंकि ओजोन वायु की परत सूर्य की गर्मी कम पहुंचाती थी। अब जैसे जैसे ये उतरता गया, तीन हाथ की गांव की काया में से आप डेढ़ गांव में हुए, डेढ़ से 500 धनुष में हुए, 500 धनुष से आज 5 फीट के हो गए। अब ये क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये उतरता गया और हमारी तबीयत धीरे धीरे घटती गई। ओजोन का लेयर घट रहा है, सूर्य की गर्मी हम तक ज्यादा पहुंच रही है। ओजोन का लेयर ज्यादा था, इतना ज्यादा एरिया में था तो हम तक गर्मी कम आती थी। अब ओजोन का लेयर बिल्कुल उतर चुका है, सिर्फ ये इतना 4 इंच छोड़ के ही सूर्य हमारे से ऊपर है, बस ज्यादा नहीं। सिर्फ ये 4 इंच या 5 इंच ही छोड़ना है, बस इतना ही सूर्य ऊपर है। देखो अब गर्मी कैसी लगेगी? ज्यादा लगेगी। ओजोन वायु परत घट गई है बिल्कुल। तो ओजोन वायु परत घटने से सूर्य का ताप हम तक तेज आएगा और जैसे जैसे उसकी धूप तेज आएगी हम धीरे धीरे छठे आर की तरफ जाएंगे। बोलो कहीं भी गलती है क्या? नहीं, बिल्कुल साफ पिक्चर है। और जैसे जैसे छठा आरा खत्म होगा, छठा आरा फिर दूसरी उत्सर्पिणी का भी वापस छठा आरा, जैसे जैसे ये खत्म होगा ये सारे सूर्यमंडल कहां चढ़ेगा? धीरे धीरे ऊपर। तो हम भी वो 500 धनुष से कहां कितने होते जाएंगे? 3 गांव के हो जाएंगे ना धीरे धीरे। एक बिलस तक का आ गया ना, देखो एक बिलस से भी डेढ़ बिलस तक का हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ आपको? ऐसे ऐसे ग्रह मंडल घूमेगा, बस ऐसे घूमेगा, घूम रहे ना, ए उतरेगा। तो उत्सर्पिणी का अवसर्पिणी कोई भी हो, ये उत्सर्पिणी चढ़ेगा तो उत्सर्पिणी, घटेगा तो अवसर्पिणी। अव का मतलब घटना। सभी अनंत द्रव्य, अनंत पर्याय, अनंत उसके गुण धर्म, अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस और अनंत स्पर्श, सबका घटना, अनंत के प्रमाण में घटना, और सारे अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श का बढ़ना है वो उत्सर्पिणी।
ऐसे अनंत काल चक्र निकल गए, हमें पता भी नहीं है ये ग्रह के घूमने से। ये संसार की जो व्यवस्था है, जो 14 राजलोक में ठास ठास के भरा हुआ, जो पर्यायों को बदलने वाले वर्गणाएं हैं, वो यही है और ऐसी तरह ही काम कर रही है, ये हमारे परमात्मा ने कहा। और उसी का ही साइंटिफिकल रिजल्ट है कि जब ये नीचे उतर जाएगा, आपके ये गर्मी गर्मी सब बढ़ जाएगी, ग्रहों की ताकत बढ़ जाएगी और हम लोग की शक्ति क्षीण 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 होती जाएगी। हम ऐसे संग्रहण में जाएंगे कि मोक्ष की तो बात ही भूल जाओ, जमीन पे अनाज नहीं उगेगा, आप इतना सोच सकते हो क्या? इसका नीचे उतरने का ही कारण है सारी वनस्पति का नाश। और मनुष्य का यहां जीना भी कैसा, सिर्फ थोड़ा है, 25.5 सारे देश ही बचेंगे और वो भी मिट्टी के अंदर, नदी के अंदर, उसके कोतरों में जाके रहेंगे, गीले में, गीली मिट्टी के अंदर। आप समझ सकते हो कि आकाश में, वातावरण में क्या स्थिति होगी, समझ सकते हो ना? और जैसे जैसे ये ऊपर ऊपर चढ़ेगा, वापस एकदम बढ़िया होता जाएगा। तो ये प्रकृति को बदलने में जिम्मेदार कौन? ग्रह मंडल। और आज भी दिनों दिन 50 डिग्री से 60 डिग्री पहुंची है गर्मी, 60 से 70 पहुंच जाएगी 20-25 साल में, और 17 से सीधी आगे 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 बढ़ती जाएगी। नोट करने की ताकत भी हमारे में नहीं रही, क्योंकि बाद में तो कोई मशीन रहने वाले ही नहीं। 15,000-18,000 साल के बाद जब छठा आरा शुरू होने को होगा ना, उस वक्त तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। सिर्फ 49 रातों में, 49 डे, 7-7-7-7 दिन के 7 बारिश ऐसी होगी कि वो 7 बारिश के बाद ना कोई मकान, ना कोई जमीन, ना कोई थियरी, ना कोई साइंस, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं बचने वाला। समझ में आ रही है बात? ये भगवान ने जो कहा है वो साइंटिफिकली कैसे प्रूव हो रहा है? अगर हमने समझ लिया ना, तो हम 10 लोगों को बोल पाएंगे और हम अपना भी कल्याण कर पाएंगे और 10 को भी बोल पाएंगे, भाई समय नहीं है, जो समय मिल रहा है नए पाप कर्म का बंद कम करो, और कुछ नहीं करना है हमको, कुछ नहीं करना। पुण्य नहीं बढ़ाना है मगर पाप को घटाना है। मेरी ये बात समझ में आ रही है आपको? पुण्य नहीं बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाने से पाप नहीं घटने वाला, लेकिन पाप को शांति से, नए पुराने जो सामने निमित्त आए उसमें शांति रखो और नया बंद ना करो। अगर ये नहीं समझ में आया ना, यही संवर है, ये नहीं समझ में आया ना, तो जीरो, क्योंकि ये निमित्त है। देखो अभी 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 ध्यान से समझना, ये ग्रहों का घूमना, ग्रहों का चार, देखो बराबर 2 सूर्य दिख रहा है आपको, अभी इसको हम 4 जानेंगे, ये पूरा ज्योतिष चक्र, 2 सूर्य दिख रहा है एक दूसरे के सामने, देखो कैसे घूम रहे हैं, देखो एक के सामने ही दूसरा रहेगा, और ये निमित है, ये घूमते 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 ऐसे घूमते घूमते उतर जाएंगे बिल्कुल नीचे आ गए। ये आ गया हमारा छठा आरा, और छठे आरे से ऐसे ही घूमते 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 ऊपर चढ़ जाएंगे, बिल्कुल इतने ऊपर चढ़ जाएंगे। ये तो सिर्फ एक निमित्त है जो वातावरण को बदल रहे हैं। अब यहां घूम रहे, नीचे घूम रहे, नीचे घूम रहे, नीचे घूम रहे, तो हमारी स्थिति बिगड़ गई ना, हमारी स्थिति बिगड़ गई। अब हमारी स्थिति बिगड़ गई है, हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है, ना सामर्थ्य है, ना ही ग्रह कोई ऐसा मौका दे रहा है कि ना आपको कोई मंदिर मिले, ना प्रतिमा जी मिले, ना आप मूलभूत रूप से जैन धर्म का पालन भी कर पाओ, क्योंकि वनस्पति ही नहीं उगेगी, अनाज ही नहीं उगेगा, खाना ही मांस मच्छी पड़ेगी। तो ऐसे संजोगों में अगर हमने संवर नहीं किया ना अपने आप को, नए कर्म के आवरण से बचाने का निश्चय नहीं किया ना,
तो पुण्य ही बढ़ाना है ना, दान करो, सेवा करो, पैसे कमाओ, पुण्य करो। दान धर्म, शील धर्म, तप धर्म, तीनों से पुण्य है। समझ में आ रही है ये मेरी बात? तो ग्रह इस तरह, अब मैं मूल मुद्दे पे आ जाऊं, ग्रह इस तरह घूमते हैं और यही वजह है कि वही पांच भरत पांच ऐरावत में ही ये बदलाव। अब देखो यहां पे, देखो ध्यान से देखो, ये पूरे बाहर की बॉर्डर में है तो ये बाहर के बॉर्डर में ही फर्क पड़ेगा ना। मान लो ये जम्बू द्वीप है, देखो आपको दिख रहा है पूरा क्लियरली? हाँ। ये आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा है, आज मेरे हाथ में है तो ये फोन, फोन का इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बहुत अच्छा है। ये बराबर मध्य में मेरु है, ये जम्बू द्वीप है, ये कोने में भरत क्षेत्र है, ठीक है? ये समझ में आई? यहाँ भरत, यहाँ ऐरावत, कोने में है, तो पांचों कोने में ही ये सूर्य घूमेंगे ना, उसका प्रकाश कहाँ जाएगा बताओ? कोने में ही जाएगा। तो पांचों भरत और पांचों ऐरावत के ऊपर से ही ये ग्रह घूम रहे हैं, तो पांच भरत और पांच ऐरावत में ही बदलाव आएगा, बाकी बीच में कहीं भी बदलाव आएगा नहीं। ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है, बाकी के कोई क्षेत्र में बदलाव भी नहीं और कोई भी क्षेत्र में पाप भी नहीं। हाँ, सिर्फ महाविदे को छोड़ो, क्योंकि महाविदे क्या है, यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक ये चौड़े एरिया में महाविदे है, तो महाविदे के विजय यहां से शुरू हो रहे, एकदम कोने से यहां से शुरू हो रहे। ये जो पहली लाइन छोड़ो, ये दूसरी तीसरी, ये लाइन जो दो है ना, दूसरी तीसरी, ये दूसरे और तीसरे, ये दो खाने में ही आपके सारे आठ के आठ विजय आ गए। तो यहां आ गए तो यहां ये ना तो बिल्कुल अंदर है ना बाहर है, और यहां सूर्य का सीधा ताप नहीं जाता, लेकिन यहां से तो खाली 2500 योजन ही अंदर, सिर्फ 2500 योजन। तो ये महाविदे के इतने क्षेत्र में आपको तब भी 6 के 6 संग्रहण मिलेंगे, तीर्थंकर परमात्मा भी मिलेंगे, यहां से मोक्ष भी मिलेगा, नरक भी मिलेगी। और यहां वाले को तो सिर्फ नरक मिलेगी, ये छठे आरे में और आने वाले छठे आरे में यहां जो जीव जन्म लेंगे मरेंगे उनको सिर्फ नरक मिलने वाली। क्यों? ये घूमने के कारण। अब समझ में आ गया? पांचों भरत पांचों ऐरावत के ऊपर से सूर्य चंद्र घूम रहे हैं, इसीलिए पांचों भरत और पांचों ऐरावत में काल ऐसा ही बीतेगा, ठीक है? तो ग्रहों की रचना ऐसे है। अब आप ऐसे ही रचना है उस हिसाब से ही जाओगे, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा सब ऐसे इसके अंदर ही घूम रहे, ठीक है? कोई क्वेश्चन है आपको? आगे कोई क्वेश्चन है कि मैं जाऊं? तो देवलोक तो जहाँ छे त्याज रहने, मैं तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, वो तो ऊपर है, हजारों असंख्य योजन ऊपर है ये ग्रह, ये ग्रह नक्षत्र तारा का जो ये ज्योतिष चक्र है उससे बराबर हजारों योजन ऊपर जाने के बाद ग्रह नक्षत्र, और ये जो पृथ्वी है वहां से भी हजार असंख्य योजन नीचे जाने के बाद रत्न प्रभा नारकी। महत्व की बात ये है कि यहां से नारकी नीचे सिर्फ ये जो मेरु है ना, मेरु की ये उंडाई खाली 1000 योजन, ये मेरु पर्वत है, मेरु की उंडाई यहां 1000 योजन में ये जमीन फ्लैट आ गई, तो ये 1000 योजन के नीचे ग्रह नक्षत्र का कोई प्रकाश नहीं जाता। अब जहां सूर्य चंद्र का प्रकाश ही नहीं जाता वहां इसकी वजह से कोई तकलीफ हो सकती है? नहीं। और ये सूर्य चंद्र का प्रकाश नीचे नहीं जाएगा तो उनको पता भी चलता है कि हमारा 1 साल खत्म हुआ, 1 महीना खत्म हुआ? नहीं नहीं। तो अच्छा, कोई तो पानी तो वहां पानी, वहां वनस्पति, वहां देवलोक हो या नरक हो, वहां जो भी वनस्पति या पानी या वायु का है, कुछ भी है ना, वो देवों के विकुर्वित किए हुए। जो घड़ी भर में आया और फिर खत्म उड़ गया सारे। वावड़ियों में पानी भी यही है, यही जो जो उसको हम बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, जैसे रत्न के एकेंद्रीय जीव होते कि नहीं होते? हाँ,
जैसे पद्म कमल रत्न के ही होते हैं ना, पृथ्वी काय रत्न के, पृथ्वी काय रत्न के, ऐसे ही अब काय के भी रत्न का ही पानी। वहां वावड़ी एक, हाँ एक ध्यान दीजिए, वहां किसी भी वावड़ी में कमल या फूल आज सुबह खिले और शाम को मुरझा गए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, परमानेंट, कभी नाश ही नहीं होने वाला। तो कहां से पानी होगा, सोच सकते हो, वो कमल को या वृक्ष को क्या पानी चाहिए? हाँ, वो बावड़ी और जो सरोवर है उसके अंदर जो कमल है उसको पानी की आवश्यकता है? नहीं नहीं, तो हमारे जैसा पानी तो उधर है ही नहीं, तो पृथ्वी का तो छे, એટલે पृथ्वी तो छे, पृथ्वी काय के भी रत्न है, रत्न के हैं जो कभी भी नाश नहीं होगा। वहां से जीव जाएंगे, चवित होंगे और मरेंगे, जिएंगे, निकल जाएंगे। એટલે આ ત્યાં જે આપણે ગુલાબની કમળના આટલા ફૂલ હોય ને આ બધું, એ બધું પરમેનન્ટ, બધું પરમેનન્ટ, પરમેનન્ટ જો આપકો અભી સોને કા નહીં મિલતા હૈ વો 24 કેરેટ ગોલ્ડ કા, હા वो आर्या, आर्या कंपनी का है ना 24 कैरेट गोल्ड का कमल का फूल जो भगवान को आप चढ़ाते हो, वो कभी टूटेगा क्या? नहीं नहीं, और वो भी बिल्कुल जड़ होता है, ये केंद्रीय रत्न भी जड़ होता है, एकदम भारी होता है ये। वहां कोई पृथ्वी अब तेऊ वायु वनस्पति नाशवंत नहीं है। अब मेरी, मैं सीधा एक शब्द बोल रही हूं, नाशवंत नहीं है, जो भी है चिरकाल। अब जैसे आपको ये पता है ना, जब भगवान जब चलते हैं तो जो फूलों की वर्षा होती है, जो भी ऊपर से आता है, वो कैसे फूल होते हैं? उसमें जीव नहीं होता है, मालूम है ना? सचीत है, अचीत है, वही है जिसके अंदर कोई भी जीव नहीं। सचीत का मतलब अंदर जीव है, अचीत का मतलब अब इसमें कोई जीव नहीं। तो जीव जैसे, जैसे देखिए ध्यान से, जैसे ये टेबल बनाया, एक टेबल बनाया लकड़े का, तो अब जीव निकल गया, अब वो टेबल परमानेंट हुआ कि नहीं हुआ? जब तक कोई तोड़ेगा नहीं, वो वैसा का वैसा रहने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही वो जो कमल का फूल है, जो श्रीदेवी का भवन हो या कुछ भी हो, या पद्मद्रह में तो पानी की योनि है, जी अपकाय की योनि, और वहां से जल उत्पन्न होता है और हम तक पहुंचता है। समझ में आ रही है ये बात? लेकिन वो कहां है? तिर्यक लोक में। तिर्यक लोक छोड़ के नीचे 1000 योजन नीचे जाने के बाद आपको कोई पृथ्वी या तेउ वायु हमारे जैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? क्लियर, बराबर। अभी कोई प्रश्न है तो बोलो। चलो आओ। तो ये तरीका है जो भगवान ने हमें समझाया है कि कैसे ये पूरी सृष्टि के ऊपर इन ग्रहों का अमल है और उसी के कारण कैसी कैसी स्थितियां खड़ी हो रही। ठीक है, तो आगे जाएंगे। अब जैसे हमें, हमारे लिए तो एक ही महत्व की बात है कि जब भगवान के कही बातों से आज का साइंस बिल्कुल सही ढंग से साबित हो रहा है, तो हमें उनकी बातों पे ही ज्यादा भरोसा करना चाहिए, बराबर। अच्छा, अब ये साइंस ने ये बोला है कि चंद्रमा से परे क्रमशः शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि आदि ग्रह है, ये सब पृथ्वी के समान ही भूमंडल वाले हैं और सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं तथा सूर्य से ही प्रकाश के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन ग्रहों में से किसी में भी हमारी पृथ्वी के समान जीवों की संभावना नहीं है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां जीवन के साधनों से सर्वथा प्रतिकूल है। देखो, यहाँ पे भी एक बात हमें और महत्व की है जो समझनी है कि ये सारे ग्रह या चंद्र सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। देखो, यहाँ बहुत, एक बहुत महत्व का मुद्दा आ रहा है, उसको मैं आपके सामने क्लियर करूंगी कि अगर ये सारे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है, तो जो 12 घंटे के बाद जब ये सूर्य अंधेरे का समय हो और उस वक्त हम जो बाकी के ग्रह देखते हैं, ये तो देखते हैं ना सूर्यास्त के बाद,
सूर्यास्त के बाद आपको आकाश में चंद्र भी दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद आपको सारे बाकी के ग्रह नक्षत्र दिखाई देता है। तो सूर्यास्त तो हो गया, अब बाकी के ग्रह नक्षत्र प्रकाशित है कि नहीं है उसके बाद भी? तो जो अच्छा, अब सूर्य की हाजिरी में जो ग्रह नक्षत्र है, अगर आप टेलीस्कोप से देखने जाओ, ऐसा तो आपको दिखाई नहीं देंगे, ऐसा तो आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर वो सूर्य के प्रकाश से ज्यादा प्रकाशित है, जो सूर्य की गैर हाजिरी में जो जो दिख रहे, डीम दिख रहे, उससे भी ज्यादा प्रकाश से दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए? अगर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है तो पहले से जो रात को दिखे बिना सूर्य के प्रकाश के दिखे, उसे तो ये ज्यादा दिखने चाहिए प्रकाश वाले। इसका अर्थ ये हो गया कि ये सूर्य से प्रकाश के प्रकाश से ही प्रकाशित है, ये बात ही नहीं है। अगर होते तो सूर्य की गहराजरी में वो दिखाई नहीं देते, और अगर वो उसके प्रकाश से अगर वो प्रकाश ले रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश में तो वो बिल्कुल डबल प्रकाश वाले दिखाई देने चाहिए थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बराबर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसका सीधा अर्थ है कि ये क्या सूर्य के कारण ही ये प्रकाशित है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। तो बाकी सभी ग्रह में अपने अपने प्रकाश को देने की या अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होने की कैपेसिटी है। बराबर बराबर। हाँ बोलो। तो मतलब आके जे साइंस किए जे के 16 सूर्य नी बदी प्रकाश लेने बदा चंद्र तारा चमके जे, दैट इज रॉन्ग। मैंने वही तो समझाया आपको, अगर सूर्य के प्रकाश, हाँ, अरे आपको कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। आप साइंस की किसी भी बातों का आपको जवाब मिला है क्या आज तक? मिला है जितने भी हमने सुना वो? अगर सूर्य के प्रकाश से शनि प्रकाशित है तो सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक तो आकाश में शनि दिखना ही नहीं चाहिए। जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तो बहुत बढ़िया उसकी तीनों रिंग दिखाई देती है, उसके कलर दिखाई देते हैं, यहां तक के उसके बराबर मध्य का जो बॉल है वो गोल गोल घूमता भी दिखाई देता है आपको। आधी रात में हम लोग देखने भी जाएंगे, आप लोग ग्रह नक्षत्र पढ़ रहे हो ना, तो ग्रह नक्षत्र आकाश भी देखेंगे और भगवान ने जो बोला है वो कैसे सही दिखाई दे रहा है वो भी हम देखेंगे। बहुत सारे महात्मा को मैंने दिखाया है, हम लोग भी जरूर देखेंगे, हम लोग भी जरूर देखेंगे। जब किसी महात्मा को आकाश दर्शन तारा दर्शन करना होगा ना, उसी वक्त हम सब जाएंगे। आपके लिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर सूर्य के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते ना, तो जब सूर्य ही नहीं है, जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं दिख रहा है, तब तो ये बिल्कुल घना अंधेरा होना चाहिए। और जब सूर्य का प्रकाश हो तब तो इनकी भी लाइट और इनका भी प्रकाश और बढ़ जाना चाहिए। बराबर। जबकि सूर्य के साथ बाजू में शुक्र या गुरु अगर कोई है, तो जब बिल्कुल सूर्य प्रकाशित है उसके आसपास वो दिखाई नहीं देते, बिल्कुल नहीं दिखाई देते। मतलब ये हो गया कि सूर्य का प्रकाश अलग है और ग्रह का प्रकाश अलग है, ये बात यहां साबित हो जाती, अपने आप साबित हो जाती। तो अपने आप आपको ये समझ लेना है कि सूर्य के प्रकाश लेकर ही चंद्र बड़ा होता है, गलत बात। अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता ना, ध्यान दो, तो जैसे जैसे सूर्य चंद्र नजीक आते जाते हैं ना, तो सूर्य का प्रकाश चंद्र ज्यादा लेगा या कम लेगा? ज्यादा मिलेगा उसको, ज्यादा मिलेगा। तो चंद्र पूरा दिखना चाहिए या ढकना चाहिए? पूरा दिखना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए। जैसे जैसे सूर्य चंद्र इकट्ठे हो रहे हैं, वो ज्यादा प्रकाशित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो उससे सूर्य का प्रकाश चंद्र ग्रह ले रहे हैं, ये बात से कोई लेना देना नहीं। सब ग्रह स्वयं प्रकाशित है, सबका अपना अपना स्वयं प्रकाश। ठीक है, साबित हो गई। राहु चे राहु, हाँ, ते तो अंधारू देखा है तमे कोछु ते। राहु पांच रंग के हैं विमान, एक नहीं, राहु के पांच रंग के विमान। तो पांच रंग में से जो राहु, काल राहु जो रोज नीचे चल रहा है, जो दो है उसमें है नित्य राहु पर्व राहु। तो नित्य राहु को ही काल राहु बोला है क्योंकि वो काल को बदल रहा है। काल को कैसे बदला? तो आज एकम थी, कल दूज आ गई, परसों तीज आ गई, तो एकम चली गई, दूज आ रही है।
दू चली गई, तीज आ रही है, ये बताने वाली, ये काल को बताने वाला कौन? नित्य राहु, चंद्र नहीं है, राहु बता रहा है कि एकम चली गई, अब दो नंबर की कला आ गई तो ये दूध चली गई, अब तीन नंबर की कला आ गई है तो ये दूध चली गई, तीज आ गई, ये बता कौन रहा है? राहु बता रहा है, राहु के कारण हो रहा है, राहु ढाके छे, हाँ ये हो रहा है राहु के कारण, इसीलिए राहु को काल राहु बोला है, चंद्र को काल का मधनी नहीं बोला गया। हम कहने का अर्थ क्या है, एक ऐसा माप दिया जो व्यवहार काल में, व्यवहार काल निश्चय काल, तो निश्चय काल में तो अनंत उत्सर्पणीय अवसर, लेकिन व्यवहार काल में तो समय का भी महत्व है ना, तो वो समय बनाता कौन है, किसके कारण? राहु के कारण, नित्य राहु के कारण, तो इसलिए उसको काल राहु नाम दिया गया, काल मतलब जो काल को बताने वाला है वो। इसमें आपको जब ग्रहण होता है ना तब बहुत सारे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, कभी लाल रंग दिखाई देता है, कभी काला रंग दिखाई देता है, कभी ब्लू मून दिखाई देता है ग्रहण के वक्त। अच्छा हाँ, एक रंग का ग्रहण नहीं होता कभी भी, उसमें ये अलग 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 रंग है, राहु के विमान के कारण ये ग्रहण होगा तो ये कलर दूसरा दिखे। चंद्र ऊपर अलग अलग राहु आ जाए, अलग अलग नहीं, जो राहु का विमान अब उसके ऊपर आया है वो अलग रंग का है। अच्छा ये कलर देखा, हाँ ठीक है, अभी आगे जाऊं, ये तो समझ में आ गया ना आपको कि कैसे ग्रह घूमता है, कैसे प्रकाश उसके अपना प्रकाश है, और कैसे वो कोई परिक्रमा ग्रह, सब सूर्य सभी ग्रहों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और पृथ्वी जमीन पे, वो हमने आज अभी ये इससे साबित कर लिया कि ये हमारी पृथ्वी है, जैसे ये जम्बू द्वीप है, ये बराबर मेरु है, और मेरु के आसपास ऐसे ग्रह घूम रहे। ठीक है, अब आगे जाएंगे, पृथ्वी इन ग्रहों से, पृथ्वी से लगभग 9.5 करोड़ मील की दूरी पे सूर्यमंडल। अब इन्होंने जो 9.5 करोड़ मील की दूरी बताई तो हमें तो यहाँ से सीधे 790 योजन ही गिनना है, कितना गिनना है? 790, और पहले आरे में ये कितना हो जाएगा, इतना, दूसरे तीसरे चौथे से घटते घटते छठे आरे तक इतना, छठे से वापस पहले आरे में ऊपर चढ़ता चढ़ता इतना, समझ में आ रहा है अभी? बस आपको यही समझना है। अब उसके बाद में हम जाएंगे आगे, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख गुना बड़ा, अब जो 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 सूर्य है वो पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा, क्योंकि ये जो एरिया, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, पृथ्वी से सूर्य बड़ा है ये तो बात साबित दिखने से ही मालूम पड़ जाता है, दिखने से ही पड़ जाता है ना, इतनी दूर अगर कोई चीज हमें फिर भी बड़ी दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली वो बड़ी है, तभी दिखाई दे रही है। अब यहां पे ध्यान दो, यहां से जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो योजन का जो इतना जो एरिया है, वहां से सूर्य इतनी ऊंचाई पे है और ये ऊंचाई पे ऐसे गोल घूम रहा है, ये सूर्य यहां से लेके पूरा 1 लाख योजन तक दिख रहा है, कहां तक दिख रहा है? 1 लाख योजन तक, 1 लाख अंदर का जो एरिया है ये मेरु का 10,000 योजन की गोलाई और बाहर की 1 लाख की गोलाई। देखो यहाँ आपको बिल्कुल ये आपको है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको हर एक चीज, ये बराबर ये मेरु है 10,000 योजन का है गोलाई में, और ये 1 लाख योजन हो गई बराबर, तो सूर्य तो यहाँ घूम रहा है, ये सूर्य सबको दिख रहा है, यहाँ वाले को भी दिख रहा है, अंदर वाले को भी दिख रहा है, तो डेफिनेटली बड़ा होगा तो ही दिखेगा ना, अगर छोटा होगा तो जितना 1 लाख योजन अंदर जाओगे सूर्य दिखेगा, अगर छोटा होगा तो। तो सूर्य पृथ्वी से बड़ा है ये तो साबित हो गई बात, अगर बड़ा नहीं होता तो पृथ्वी की हर जगह से दिखाई नहीं देता, पृथ्वी के हर एक जगह से सूर्य दिखाई देता है, ये 1 लाख योजन का यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है हर जगह से आपको सूर्य दिखाई दे रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि इस पृथ्वी से सूर्य बड़ा ही है। जब सूर्य यहाँ घूम रहा है तो इसको भी दिख रहा है, यहाँ वाले को भी दिख रहा है, यहाँ वाले, यहाँ वाले, यहाँ वाले, यहाँ वाले, सबको दिख रहा है। बराबर बराबर। आगे जाएंगे, पृथ्वी के समान लगभग 15 लाख भूमंडल उसके गर्भ में समा सकते हैं। मतलब वो इतना बड़ा है कि 15 लाख जितनी जमीन भी पृथ्वी की हो तो वो उसके अंदर आ सकती है। सूर्य का व्यास 8,60,000 मील है। अब इनका जो भी व्यास और सबका नाप है ना, वो बिल्कुल काल्पनिक है। काल्पनिक कि अगर ये एक प्रकाश वर्ष, इतने प्रकाश वर्ष दूर ये है, अगर इतनी दूरी पे अगर वस्तु का नाप इतना होगा तो इतने प्रकाश वर्ष की दूरी पे इतना हो सकता है, ऐसा कैलकुलेशन। वहां जाके उन्होंने कुछ भी नापा हुआ नहीं है। तो ये आज नाप है, कल इनका व्यास जरूर बदल कर भी आ सकता है। आगे, ये महाकाय सूर्यमंडल अग्नि से प्रज्वलित है और उसकी ज्वाला लाखों मील तक उठती है। ये बात सही है, क्योंकि सूर्य के गोले में आप अगर टेलीस्कोप से भी देखने जाओ ना तो कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ अंदर से आग के भड़के बाहर आ रहे हैं बस। एक मशाल हो तो मशाल में, या कोई मान लो ये 1,000 दिया आपने, जैसे आपको पता है ना, जो हम 108 दिए की आरती करते हैं, आपको मालूम होगा सबकी लॉ अलग अलग है। बराबर, सभी दिए की लॉ में 2-2 इंच का डिफरेंट है, लेकिन दूर से कैसी दिख रही है वो, एक ज्वाला दूर से। तो जो एक ज्वाला दिख रही है उसमें एक दिया तड़तड़ ज्यादा घी होने के कारण ज्यादा तेजी से तड़तड़ हो रहा है, और एक में घी कम होगा तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, एक बंद भी हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही सूर्य का एक बड़ा सा बिंब जो है, समझ लो कि ये सूर्य का बड़ा बिंब है, तो ये बिंब में से यहां से आग ज्यादा निकली, यहां से कम निकली, यहां से ज्वाला ज्यादा निकल रही है, यहां से फूट फूट के बाहर ज्यादा आग आ रही है, ये सब पॉसिबल है कि नहीं है? है तो ऐसा ही है बिंब में। और ये परमात्मा ने बताया है, कैसे बताया पता है? उन्होंने बोला स्फुट रूप, स्फुट मतलब अलग 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 विभाग, अलग अलग जगह से उसकी जो ये बिंब है, बिंब देखो यहां आपको दिखेगा, यहां से बिंब फट गई है, फट गई है तो यहां से प्रकाश ज्यादा निकल रहा है, यहां कम फटी है, यहां कम फटी है, यहां ज्यादा फट गई है तो यहां से अंदर से प्रकाश ज्यादा निकल रहा है। जैसे तड़तड़ होता है ना, वही समझना है आपको। और ये ऐसा तो है ही नहीं कि घी खत्म हो गया, नहीं। ऐसा तो है ही नहीं, सारे मिथ्यात्व एक इंद्रिय जीव है और उसका शरीर तो आतप नाम कर्म से बना हुआ एक पदार्थ है, वो भी एक इंद्रिय रत्न है कि नहीं? एक इंद्रिय रत्न है, तो एक इंद्रिय रत्न की तो कोई आयु होती ही नहीं, वो हमेशा परमानेंट शरीर होता है उसका, तो अंदर से आग निकलना भी परमानेंट। समझ में आ रहा है? फर्क कहां पड़ रहा है, फर्क कहां पड़ रहा है? ये आग का गोला ज्यादा नीचे आ गया तो गर्मी बढ़ गई, ये आग का गोला ऊपर चढ़ गया तो गर्मी घट गई, फर्क यहां पड़ रहा है बस, गोले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? गोले के आग में कोई फर्क नहीं है, ये ऊपर था तो गर्मी हमें कम लगी, जैसे ये नीचे उतर गया आप गर्मी बढ़ गई, मतलब आग नहीं बढ़ी है। हमें लगता है खाली आग नहीं बढ़ी, आग नजदीक आ गई बस, नजदीक आ गई तो ज्यादा। अब जैसे विमान है, जैसे ऊपर है तो आवाज बिल्कुल कम है, और जैसे नीचे उतर रहा है तो आवाज बस, उसने आवाज बढ़ाई थी तो ये नीचे उतरेंगे, गर्मी जैसे नीचे उतरेगी वायु बदलती जाएगी, वायु तो बन होगी कि नहीं? ओजोन वायु जल जल के खत्म हो रहा है आकाश में से, इतनी लेयर ओजोन वायु की है, एग्जैक्टली इतनी। अब ये उतर रहा है, ये उतर रहा, ओजोन वायु खत्म 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 खत्म, अब ये बिल्कुल खत्म, अब क्या हाल होगा बताओ? गर्मी एकदम बढ़ जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी, हम लोग उसको सहन भी नहीं कर पाएंगे, तभी हम लोग ये पानी के अंदर से उतर जाएंगे नीचे, और मिट्टी में और मिट्टी के अंदर ही रहेंगे बस। तो हम अब कौन सा ऑक्सीजन लेंगे? नहीं,
बाहर का या पानी के अंदर का H2O वाला? पानी के अंदर का। आप पानी में नहीं हो लेकिन पानी की गीली मिट्टी में तो हो ना। तो वहां गीली मिट्टी के अंदर तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला, बाहर का ऑक्सीजन अंदर होगा नहीं। वहां H2O वाला होगा, तभी तो सांस की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, कितने पता है 16,000 रोग हो जाएंगे तब शरीर में, कुष्ठ रोग, सारे रोग हो जाएंगे। एक साल, दो साल, पांच साल में तो बच्चा हो गया। 5 साल की उम्र मतलब आज की 22-25 साल की उम्र। अभी आज भी 14 साल के बच्चे को कैंसर होता है कि नहीं होता है? 8 साल के, 2 साल के बच्चे को कैंसर होता है कि नहीं होता है? तब 2 दिन के बच्चे को होगा। क्यों होगा? ओजोन वायु ही नहीं है, सारी परत फट गई है, नीचे उतर गया, सारी परत निकल गई। अब बाहर तो रहने जैसी, ये पृथ्वी पे रहने जैसी जगह है नहीं। ओजोन वायु तो वायु तो जेटलो हो एटलो ज रहे, तो खत्म ज नहीं थाय। भगवान एम कहे छे जे वस्तु जेटली छे एटली ज रहे। आपको मैंने सिर्फ भरत क्षेत्र के ऊपर का ही घटाया ना, आगे का तो नहीं ना। नहीं फिर पण आई थी वायु ये ओजोन नीचे जातो रहे। अरे वो तो कहीं भी जाए, आपको ये पता है एक भी नदियां कुछ नहीं रहने वाली, पानी उतना ही रहेगा, तो पानी कैसे घट गया? बीचे गए, पानी भी तो घटा ना। अपकाय घट गई, अपकाय, अपकाय की योनि ही खत्म हो गई, मतलब बिल्कुल घट गई, तो वायु काय भी नहीं घटेगी? अग्नि काय तो होगी ही नहीं। चलो कैसे मान लिया कि कुछ नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। अग्नि काय होगा तब? नहीं नहीं, अग्नि काय तो है ही नहीं, तो अग्नि काय नहीं हो सकता, तो ओजोन नहीं हो सकता, इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं। बस जो स्थिति अग्नि का है कि अपने आप तो कहीं भी आग नहीं लगने वाली, क्योंकि अग्नि ही नहीं है, बादर अग्नि है ही नहीं, तो बादर वायु हो सकता है? नहीं। ओजोन, ओजोन की बात, बाकी की मैं नहीं कह रही हूं। बस ये पॉसिबल है, मैं ये कह रही हूं बस। ठीक है कोई क्वेश्चन? बोलो बोलो, अच्छा लग रहा है, आप सवाल कर रहे हो, बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो। ठीक है आगे जाऊं? तो ये जो सूर्य मंडल है उसमें से आग के गोले, ज्वाला लाखों मील तक उठती है, मतलब जो उसका एरिया है वो एरिया में, पूरे के पूरे एरिया में से हर एक जगह से उसमें से ज्वाला उठ रही है। वही ज्वाला उतनी ही है कोई भी समय में, वो नजदीक आ गई उसकी तकलीफ बढ़ गई, और दूर चली गई तो उसकी तकलीफ घट गई। ठीक है, अब यहां लिखा है सूर्य की ज्वाला में करोड़ों मील विस्तृत सौर मंडल भर में प्रकाश और उष्णता फैलती है। तो ये तो सीधी बात है कि जो जितने एरिया में सूर्य जितना नीचे उतरेगा उतनी उतनी नीचाई में ये गर्मी ज्यादा, उष्णता ज्यादा बढ़ेगी। तो सूर्य के धरातल पे 10,000 फ़ारेनहाइट गर्मी है, तो जो जब वो नीचे उतरेगा तो नीचे की गर्मी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ। बढ़ेगी। जब सूर्य की धरातल पर इतनी गर्मी है तो ये जब नीचे उतर रहा है तो डेफिनेटली उसकी गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। बहुत सिंपल लॉजिक है। हाँ के ओजोन ज्यां छे त्यां आगळ ज रहे, पण एनाथी नीचे उतरी जाय छे एटला माटे आ बधु थाय छे। ओजोन, ओजोन देखो वायु हमेशा, एक बात पे ध्यान दीजिएगा, मेरी एक बहुत महत्व की बात है उस पे ध्यान दीजिएगा। हाँ। अग्नि कभी भी बिना वायु के प्रज्वलित हो ही नहीं सकता। हाँ। ये बात पता है, अग्नि कभी भी, वायु नहीं होगा ना तो अग्नि रह ही नहीं सकता, बादर अग्नि। बस बस, तो सूर्य के मंडल से निकलने वाली अग्नि अगर आसपास बादर वायु नहीं है तो क्या वो जलेगी? नहीं। तो जब तक अग्नि जल रहा है वो वायु को तो उसको खाना ही खाना है। हाँ। तो जब जब अग्नि नीचे उतर रही है, ध्यान दीजिए
ये पूरा एरिया वायु से भरा हुआ है। अब जब ये जब नीचे उतर ही रहा है, ये तो हकीकत उतर गई, तो फिर वायु तो खत्म हुआ ही हुआ डेफिनेटली। अगर वायु खत्म नहीं होता तो अग्नि नीचे आती नहीं। फिर नहीं। तो ये नीचे अपने आप आई कैसे, वायु को खाते खाते ना। अगर ये नीचे आ रहा है तो वायु खत्म हुआ है, अब ये ऊपर जाएगा तो वायु की योनि बढ़ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, योनि घट रही है योनि बढ़ रही है। समझ में आ रही है ये बात? कभी ऐसा होता है ना, जैसे नदी पतली हो गई छोटी हो गई। अब देखो अभी आपको बनास नदी या सरस्वती नदी में पानी है, क्यों? योनि अब आपका कि योनि खत्म हो गई, कम हो गई, कम हो गई, धीरे धीरे कम हो गई, तो पानी कम हुआ। नर्मदा में नहीं हुआ है, तापी में नहीं हुआ है, लेकिन सरस्वती और उसमें दो नदी में हुआ हुआ। क्यों? अब योनि ही खत्म हो रही है, धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगी, धीरे धीरे वहां पे मकान आ जाएंगे। क्यों? अब यहां ये योनि का, अरे ये आप योनि के प्रकार बोले हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पानी की योनि सरस्वती की अलग प्रकार है और तापी का अलग प्रकार, वो तो एक ही प्रकार का है। यहां घट गई दूसरी जगह बढ़ गई होगी। मनुष्य संख्याता बोले कि नहीं बोले है, जब भरत क्षेत्र में घटेंगे तो दूसरी जगह बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बस ऐसे ही जब ओजोन वायु मतलब वायु काय का ये एक प्रकार यहां पे घट रहा है और जगह तो है ही। आपको ये समझना है कि जो जो ये भरत क्षेत्र का घटा, जो अंदर के जो सातों बाकी के क्षेत्र है ना, सिर्फ बाहर के 1000 योजन का घटा, उसके अंदर ही जैसे 2000 योजन छोड़ के सबसे पहला हेमवत क्षेत्र है ना, वहां कुछ नहीं घटा है। वहां कुछ नहीं घटा है, वहां सदाकाल एक ही आ रहा है। यहां जो 2500 योजन छोड़ के महाविदेह में जो जब जो वायु है ना, वहां कुछ नहीं घटा है। कहां घटा? खाली बाहर के 500 योजन में बस, जहां ये सूर्य घूम रहा है। सीधा सीधा हिसाब है, यहां जो ये इतना ही एरिया है सूर्य का, कितना एरिया है दिख रहा है आपको यहां? सिर्फ इतना ही एरिया 500 योजन में उसके मांडले हैं बस, 510 योजन। तो कहां घटेगा? खाली 510 योजन। तो यहां घट जाएगा, अंदर तो नहीं घटेगा ना? नहीं, नहीं। बस फिर तो यहां से परत कहां चली गई? योनि अंदर चली गई। अभी अंदर ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, यहां घट गया तो यहां का अंदर चला जाएगा। कोई फर्क है उसमें? कोई क्वेश्चन होगा बोलो, ऐसा तो हो ही सकता है ना? बराबर। आप जब कोयले जलाते हो सगड़ी के लिए, 100 कोयले रखे हैं सगड़ी में, तो 2 जगह कोयले जल्दी ठंडे हो गए और बाकी में आग बढ़ गई, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, हाँ। बस जैसे मैंने बोला वो 108 दिए की आरती है, 2 बुझ गए, 108 में से 2 बुझ गए, 106 तो जल रहे हैं ना। हाँ। 2 बुझे क्यों? अंदर का घी खत्म हो गया तभी बुझे, वहां घी कम डाला था, मतलब योनि खत्म हो गई। अब कहे कि योनि खत्म हो गई क्योंकि वहां पे घी कम है, तो यहाँ योनि ही कम है तो जल्दी घट जाएगी। उसी एरिया में घटेगा जहां पे इसकी गर्मी जाएगी। ये नीचे आ रहा है वही कारण है घटने का, और ये ऊपर जा रहा है बढ़ने का कारण। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों एक साथ घटेंगे बढ़ेंगे, तो ये द्रव्य है पुद्गल द्रव्य, ये उसका क्षेत्र है 790 योजन का, यहां से यहां तक का। अब ये क्षेत्र घटा, ये बढ़ा, तो ये जैसे बढ़ा हमारी हाइट बढ़ गई, ये घटा, तो ये पुद्गल द्रव्य घट गया। पुद्गल द्रव्य भी तो घटा ना,
बस ओजोन का क्षेत्र भी घटा। बोलो, अच्छे से समझ में आ गया? चलो अभी मैं पढ़ रही हूं, ये बात भी यही साबित करेगी, क्योंकि हवामान में अगर कुछ घट रहा है और उसकी नोटिफिकेशन साइंस कर रहा है तो डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि योनि घट रही है, उसको तो साइंस को सही बताना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा या नहीं? जो योनि घट रही है, गर्मी बढ़ रही है, ओजोन वायु घट रहा है, मतलब जो जगह सूर्य के मांडले और कवर कर रहे हैं, तो वो कवर करते करते वहां की चीज निकल गई तभी उसने कवर किया, तो इसको तो साइंस को बताना ही पड़ेगा। बस तो हम यही अभी समझने की कोशिश करेंगे। आओ, पृथ्वी के धरातल पर 10,000 फ़ारेनहाइट गर्मी है, ठीक है, ये कभी घटती नहीं। इस सूर्य की विच्छिन्नता से पृथ्वी, बुध, बृहस्पति आदि ग्रह उसके उपग्रह बने। इनके कहना यही है कि ये गर्मी के कारण ही उसमें से आग के गोले छूटे हो गए और वो गोले ठंडे पड़ते गए, बाहर निकलते गए हवा में, और वो पृथ्वी, बुध, बृहस्पति आदि ग्रह उपग्रह बने। ये पहले आ चुका है, लेकिन हमने इसका जवाब भी ले लिया था कि कभी भी आग एक तत्व दूसरे जमीन में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, कभी भी आग पानी में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। उसकी जगह वो योनि घट सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वायु की योनि ओजोन वायु की थी, वहां आग की योनि आ गई, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये उपग्रह बने हैं इस चीज को हम नहीं मानेंगे। जो सब अभी तक उसके आकर्षण से निबद्ध होकर उसी के आसपास घूम रहे, उसमें से अलग हुए इसलिए उसी के आसपास घूम रहे, ऐसा उनका मानना है। हमारा भूमंडल सूर्य की परिक्रमा 365 और ऊपर से 6 घंटे दिन में प्रति चौथे वर्ष 366 दिन में पूरी करता है। हाँ, ये बात सही है, भूमंडल सूर्य की परिक्रमा लिखा है, हमको सिर्फ उसको पृथ्वी की परिक्रमा समझना है। पृथ्वी की परिक्रमा करते करते पूरे भूमंडल को 365 दिन और ऊपर से 6 घंटे एक साल के और पूरे 4 वर्ष के 366 दिन लगते हैं। इसी के आधार पर हमारा वर्षमान अवलंबित है, और इस परिभ्रमण से में पृथ्वी निरंतर अपनी कील पे, मतलब अपनी धुरी पे, पृथ्वी भी ऐसे गोल गोल घूम रही है ऐसा उनका मानना है, तो वो अपनी कील पे 60,000 प्रति मील घंटे के हिसाब से घूमा करती है। आपको जो 60,000 प्रति घंटे वो घूम रही है पृथ्वी, वो सीधे हिसाब से आपको ग्रह मंडल को ही 60,000 मानना है। जैसे ये ग्रह मंडल है, ये सूर्य, फिर ये नक्षत्र, फिर ये चंद्र, फिर ये तारा, ये सारे अलग 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 ग्रह मंडल हो गए। ये सूर्य हो गया, ये नक्षत्र हो गया, ये चंद्र हो गया, ये तारा हो गए, ये सारे ऐसे जो घूम रहे हैं गोल में, तो क्या क्या गति से घूम रहे हैं? 60,000 प्रति मील घंटे के हिसाब से, तभी वो 24 घंटे में सबके सब हमारे सामने वापस आ जाएंगे। लेकिन सबकी एक जैसी गति नहीं है, सिर्फ जो ज्योतिष चक्र घूमता है वो एक ही गति से घूम रहे। अब ज्योतिष चक्र एक गति से घूम रहा है, सारे अंदर के ग्रह अपनी अलग अलग गति से घूम रहे। देखो ये बात, यहाँ मुद्दा आया है, समझो, ये जो ज्योतिष चक्र है वो एक ही गति से घूम रहा है, समझ में आ रहा है? ये ज्योतिष चक्र सबको लेकर घूम रहा है, ये सबको, तो ज्योतिष चक्र घूमेगा एक ही गति से, तो सारे ग्रह 24 घंटे में हमारे सामने आएंगे। अब ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो, ये है सूर्य, ये है चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये शनि। अब 24 घंटे में शनि सिर्फ दिख रहा है, लेकिन क्या शनि 24 घंटे में सारी पूरी 12 राशि घूम पाएगा? नहीं। तो मतलब क्या हुआ, अपनी गति से सारे ग्रह भी अलग से घूम रहे हैं? ये क्लियर हुआ? तो ये पूरा 24 घंटे में एक बार कौन घूमा रहा है? ग्रह तो घूमते नहीं, अगर ग्रह घूमते तो 24 घंटे में वापस आ जाते, तो शनि को एक राशि पूरा एक राउंड लगा के 30 साल तो लगता नहीं ना। मंगल को ये पूरा एक राउंड, मान लो कि ये मंगल है, ये मंगल को पूरा एक राउंड घूमने में कितना 1.5 साल लगता है, 1.5 साल। अगर ये बुध है, बुध को पूरा राउंड घूमने में 21 दिन लगते हैं। अगर ये शुक्र है तो ये पूरा राउंड घूमने में उसको 28 दिन लगते हैं। अगर ये गुरु है तो उसको पूरा राउंड घूमने में 13 महीने लगते हैं। और ये शनि है तो उसको पूरा राउंड ऐसे घूमने में कितना लगता है? 30 साल। तो सब अलग अलग घूम रहे हैं, ये क्लियर हो गया? लेकिन ज्योतिष चक्र सबको वापस 24 घंटे में तो आकाश में लाता ही लाता है।
मतलब सारे ग्रह 24 घंटे में एक बार तो आकाश में दिखते हैं। हाँ, तो ये 24 घंटे में एक बार ग्रह दिखने का कारण क्या हुआ? ज्योतिष चक्र पूरे 24 घंटे में पूरा एक राउंड लगाता। अब देखो, हम दो सूर्य के साथ इसको देखेंगे। मान लो कि ये भरत का सूर्य है, ये ऐरावत का सूर्य, ये हमारी पृथ्वी है, ये भरत का सूर्य, ये ऐरावत का सूर्य। मान लो कि ये सूर्य यहां से यहां गया तो ऐरावत का यहां आ गया, शाम शाम में आ गया करो। तो धर 12 घंटे 24 घंटे में ये दूसरा 24 घंटा हुआ हुआ। समझ में आ रहा है आपको? ये एक सूर्य माला है, इसमें सभी ग्रह ऐसे यहां से यहां तक फैले हुए, आपको ऐसे समझना है। ये 510 योजन का एरिया, इसी में सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे घूम रहे। तो ये सूर्य यहां से यहां 12 घंटे में पहुंच रहा है, तो यहां दूसरा सूर्य आ गया 24 घंटे में। अब ये यहां पहुंच गया तो बराबर 48 घंटे में ये वाला सूर्य यहां से यहां वापिस आया। अब इसको मैं पकड़ के घुमा रही हूं, देखो 24 घंटे में यहां, दूसरे 24 में यहां, हो गया ये 48 घंटे में ये सूर्य वापस हो गया। तो ऐसे ज्योतिष चक्र का पूरा घूमना जो है, ये पूरा ज्योतिष चक्र घूमा, और सारे ग्रह अपनी अलग अलग गति से अलग अलग, जैसे ये यहां पे है तो उसकी गति थोड़ी धीमी, उसके ऊपर वाले की और गति थोड़ी ज्यादा, उससे और धीमी, ऊपर वाले की और धीमी, ऊपर वाले की और धीमी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी गति धीमी होती जाएगी। ठीक है, समझ में आया? आओ, इस प्रकार से हमारे हिसाब से ग्रह घूमेंगे। ठीक है, अब आगे जाएंगे कि इसी परिभ्रमण में पृथ्वी निरंतर अपनी किली पे घूम रही है, तो हमने देख लिया पृथ्वी नहीं घूम रही है, ज्योतिष चक्र घूम रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ दिन और रात्रि हुआ करता है। अब ये ज्योतिष चक्र घूमेगा तो 12 घंटा 24 घंटा 12 घंटा सूर्य आया तो दिन हुआ, और ये 12 घंटे में रात हो गई, हुआ कि नहीं हुआ? सूर्य एक सूर्य 24 घंटा ले रहा है, तो उसमें सूर्योदय से सूर्यास्त का समय सिर्फ 12 घंटे का ही होता है, बराबर। तो पहले 24 घंटे में 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि हो गई, और बाकी के दूसरे 24 घंटे में दूसरे सूर्य ने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि ले ली, बराबर ना? बराबर। अब यहां इन्होंने क्या बताया है कि पृथ्वी का जो गोलार्ध सूर्य के सन्मुख पड़ता है वहां दिन और शेष गोलार्ध में रात्रि। इनका कहना यह है कि पृथ्वी का जो गोलार्ध सूर्य के सामने आएगा वहां दिन है, जहां पीछे है वहां अंधेरा। हमको तो पृथ्वी यहां जमीन पे ही है, लेकिन ये टर्निंग का एरिया है, तो टर्निंग के एरिया में आपको पता है ना, जब अगर ऐसे यू टर्न हो, अगर कोई भी रास्ता ऐसे टर्न ले रहा हो, यहां से यहां टर्न ले रहा हो, तो कितने घंटे तक वो चीज गाड़ी दिखाई देगी? अब ये गाड़ी ये एरिया में आ गई तो यहां से दिखनी बंद हो जाएगी ना। अब ये यहां आगे जैसे जैसे आगे जा रही है, ऐसे ऐसे पीछे वाले को दिखाई देना बंद होगा, जैसे जैसे आगे जाएगी पीछे दिखती बंद हो जाएगी। तो 12 घंटे से ज्यादा तो किसी को भी नहीं दिखने वाला सूर्य, दिखने वाला है? तो जो नहीं दिखता है ना 12 घंटे से ज्यादा, उसका कारण ये गोलाई है। ये समझ में आ रहा है आपको? जापान से सूर्योदय शुरू होगा, तो जापान से होते होते इंडिया तक तो 6 घंटे हो जाएंगे, लंदन तक 6 घंटे हो जाएंगे। तो वो 6 घंटे में टर्निंग 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 धीरे धीरे ही दिखना बंद होगा ना, है ना? सूर्योदय भी धीरे धीरे होगा, ऐसे सूर्यास्त भी धीरे धीरे होगा ना। समझ में आ रही है ये बात? तो जो सूर्योदय सूर्यास्त है, ये अगर पृथ्वी जमीन पे है, ग्रह ऊपर है, तो हमेशा दिखने ही चाहिए, ये गलत बात है। हमेशा दिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि टर्निंग है, टर्निंग में तो हमेशा दिखेंगे ही नहीं। ऐसे आप कभी पहाड़ी पे जाते हो, गाड़ी में बैठते हो, तो जैसे वो गाड़ी ने जब तक वो टर्न नहीं ले लिया पहाड़ी के उस तरफ, आपको गाड़ी दिखेगी बाद में? दिखेगी नहीं, वो टर्न के कारण नहीं दिखी। वैसे तो दिखनी चाहिए ना, अगर सीधा रोड होता तो। हाँ,
बस जो नहीं देख रही है पृथ्वी से सूर्य की अवस्था सिर्फ 6 घंटे तक दिख रही है, उसका कारण ये कि अब उसने टर्न ले लिया, गोलाई है तो गोलाई का ये नियम है कि कुछ डिस्टेंस तक ही आप वो चीज को देख पाओ, बराबर। हाँ चल, तो बराबर इसी तरह से पृथ्वी का जो गोलार सन्मुख पड़ता है वहां दिन और बाकी रात्रि है, ये चीज हमको इसी हिसाब से नहीं मानना है, क्योंकि पृथ्वी का जो गोलार्ध अगर सूर्य के सामने पड़ेगा, जो भी गोलार्ध, तो वो गोलार्ध जो सूर्य के सन्मुख पड़ेगा वहां पे खाली प्रकाश आएगा या धूप भी ज्यादा आएगी, ये बताओ। चलो बहुत बड़ा मुद्दा मैं ले रही हूं, पृथ्वी का मान लो कि ये पृथ्वी है, मान लो कि ये पृथ्वी है, तो ये जो गोला का, ये जो गोलाई का भाग है, यहां उसका प्रकाश ज्यादा पड़ा तो प्रकाश ही ज्यादा होगा या गर्मी भी ज्यादा होगी? गर्मी भी ज्यादा होगी। अब आप एक चीज पे ध्यान दो, जैसे सूर्य सूर्य यहां पे है, मान लो कि ये सूर्य है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है बराबर उसके गोलाई में, ऐसा ही मानते हैं ना हम, साइंस ऐसा ही मानता है ना कि पृथ्वी, ये सूर्य है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है। अब आप ये सोचो कि अगर ऐसे घूमेगी तो ये गोलार्ध में जब बराबर इसके सामने आया तो यहां पे गर्मी और धीरे धीरे यहां पे गर्मी, हर जगह गर्मी एक जैसी पड़नी चाहिए? नहीं। कैसे नहीं? अगर ऐसे घूम रही है तो एक जैसी क्यों नहीं होनी चाहिए? उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों सूर्य के सामने बारी बारी आएंगे कि नहीं? 6 महीना उत्तर गोलार्ध आएगा, 6 महीना दक्षिण गोलार्ध आएगा कि नहीं, ये बताओ। चलो पहले मुझे अगर ऐसे घूमेगा तो बराबर 6 महीना ये पृथ्वी टेढ़ी होके घूम रही है, तो अभी अभी उत्तर गोलार्ध सामने है, धीरे धीरे पीछे चला गया तो अभी दक्षिण सामने आ गया, अभी दक्षिण सामने है, है कि नहीं? तो जितना उत्तर गोलार्ध सूर्य के सामने रहेगा उतना ही दक्षिण भी रहेगा ना, देखो दोनों तरफ दबा हुआ है, आपको पता चल जाएगा, उतना ही दक्षिण भी रहना चाहिए। तो जब उत्तर गोलार्ध में डिग्री में कभी भी 11 महीने तक बर्फ पॉसिबल है? 12 महीने तक बर्फ उत्तर गोलार्ध में ऊपर रशिया और ग्रीनलैंड पॉसिबल है, बताओ? नहीं। अगर ऐसे सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमेगी तो यहां से लेके यहां तक 6 महीना उत्तर गोलार्ध बराबर सूर्य के सामने है, दिख रहा है ना आपको? तो ये 6 महीने तक जब उत्तर गोलार्ध सूर्य के सामने है तो उत्तर गोलार्ध में खाली प्रकाश है लेकिन धूप से बर्फ नहीं पिघल रही है, कैसे पॉसिबल है? तो उत्तर गोलार्ध में 11-12 महीना बर्फ और दक्षिण में बिल्कुल बर्फ ही नहीं, ये भी पॉसिबल है? नहीं। तो क्या अभी बोलो पृथ्वी ऐसे घूम रही है? नहीं। अगर ऐसे घूमेगी तो ये वातावरण हो सकता है? नहीं। ये बहुत क्लियर बात है, मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल बता रही हूं। अब मान लो कि पृथ्वी नीचे है, आओ आओ यही बात को समझो, पृथ्वी नीचे है और ये सूर्य चंद्र घूम रहे हैं ऐसे, तो सूर्य का प्रकाश यहां पे जितना होगा ना ये बॉर्डर पे अंदर की तरफ कम होगा या ज्यादा होगा? धीरे धीरे 250 योजन फिर 500 योजन, जो दक्षिण गोलार्ध है वो 500 योजन पे, ये 0 डिग्री है और अंदर 500 योजन पे, तो जो 0 डिग्री पे जो गर्मी होनी चाहिए विषुववृत्त पे वो क्या 510 योजन पे होगी? तो उत्तर गोलार्ध का बर्फ कभी नहीं पिघल रहा है, क्यों? क्योंकि वो 510 योजन अंदर है और बाहर कभी भी बर्फ ही नहीं होता है, क्यों? 0 डिग्री पे कभी बर्फ होता है? श्रीलंका अफ्रीका कभी भी बर्फ हुआ? हाँ, 0 डिग्री से और नीचे आओ आप, और नीचे इस तरफ जहां सूर्य चंद्र ग्रह घूमते नहीं, लेकिन समुद्र के पानी के अंदर आपको द्वीप मिले,
पानी जैसे जैसे भरता गया, कोई कोई जमीन पे द्वीप हुई और यहां से इंसान उड़ के विमान से गया और वहां पे जाके बसा। समझ में आ रही है ये मेरी बात? तो वहां आपको बर्फ मिल सकता है, मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है। मिल सकता है। तो आपको दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव में बर्फ मिल सकता है, लेकिन बराबर दक्षिण के भाग में, दक्षिण ध्रुव में बर्फ जल्दी पिघलेगा, बहुत कम समय तक गर्मी रहेगी, बर्फ रहेगी, ठंडी रहेगी, लेकिन उत्तर ध्रुव में कभी भी गर्मी नहीं होगी। अगर पृथ्वी नीचे होगी और ऐसे ग्रह घूमेंगे तो अब बोलो कैसी वातावरण आपको, कैसी व्यवस्था सही लग रही है, ये वाली या जो ये बता रहे हैं आज का साइंस वो वाली, ये बताओ। चलो तुम्हारी साइंस कह रहा है वो या भगवान कह रहे हैं वो, मेरी नहीं भगवान कह रहे हैं वो। हाँ, आगम पाठ में जो बताई है वो ही व्यवस्था सही लग रही है वातावरण के हिसाब से भी। अगर ऐसे ग्रह घूम रहे हैं तभी आपको दक्षिण में, दक्षिण भारत में बारिश धूप सब ज्यादा मिल रहा है, सब ज्यादा मिल रहा है, और उत्तर में कभी भी 11 महीने 12 महीनों भी बर्फ उत्तर ध्रुव में मिलेगा, एक दिन भी वहां धूप नहीं, वो तड़का नहीं जाएगा, धूप नहीं जाएगी, क्योंकि वहां उसके ऊपर कभी सूर्य का भ्रमण जाना ही नहीं। क्लियर हुआ? जाना ही नहीं, सूर्य से दूर है, इतना ज्यादा दूर है, वो 500 योजन दूर है उत्तर ध्रुव का प्रदेश के इस जगह से, सूर्य का घूमना बराबर 500 योजन दूर, कम से कम 320 योजन दूर, 80 योजन दूर। तो सीधी बात है कि यहां पे कोई भी सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं आ रहा है, उसकी गर्मी नहीं मिल रही है, उसकी गर्मी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे कोई बर्फ बर्फ पिघलने वाली नहीं और यहाँ कभी धूप निकलेगी भी नहीं। क्लियर हुई है बात? तो पृथ्वी जमीन पे है, ये ही व्यवस्था आज के आबोहवा, आज का एनवायरनमेंट, आज का वातावरण सब सही साबित कर रहा है, सब बराबर। तो अब सीधा पृथ्वी का जो गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध है, वो सूर्य के सामने पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, तो दक्षिण गोलार्ध की बर्फ पिघलेगी, पर उत्तर गोलार्ध सूर्य के सामने नहीं पड़ रहा तो वो पिघलेगा नहीं। सूर्य के सामने पड़ना है, ऐसे भी तो सामने ही आना है ना, सूर्य बराबर सीधा आ रहा है, अंदर वो क्रॉस में चला जाएगा 500 योजन, वहां नहीं होगा, लेकिन सूर्य जहां पे ऊपर घूम रहा है, जैसे मैं यहां हूं, जैसे मेरे ऊपर ही पंखा है तो हवा सीधी आएगी, और जैसे क्रॉस में पीछे पंखा हो गया तो क्या मेरे तक हवा आएगी? नहीं, बराबर। क्लियर हुआ? चलो आज आपने पृथ्वी की व्यवस्था, पृथ्वी का वातावरण और परमात्मा ने कहा है ऐसे पृथ्वी जमीन पे हो और आज का वातावरण क्लियर साबित होता है, और पर आकाश आज का विज्ञान जो कह रहा है उस हिसाब से आबोहवा और वातावरण बिल्कुल साबित नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। आपको ये समझ में आ गया? आ गया? आप कोई पूछेगा ना तो वन बाय वन आपको जवाब देना है, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी बोलेगा लड़ जाओगे आप, ये पृथ्वी जमीन पे ही, ये सारा उसका प्रूफ है, ये प्रूफ है कि दक्षिण उत्तर गोलार्ध की बिल्कुल बर्फ नहीं पिघल रही है, दिनों दिन बर्फ जाम है, बढ़ रही है, और दक्षिण गोलार्ध में से बर्फ रोज पिघल रही है, सारे के सारे ग्लेशियर पानी बन रहे, क्योंकि सूर्य नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है तो दक्षिण भाग में ही उतर रहा है, तो उसको तो पानी बनना ही बनना, उत्तर भाग में वो जाता ही नहीं। ठीक है, तो 6 महीना उत्तर गोलार्ध सूर्य के सामने, 6 महीना दक्षिण गोलार्ध, ये सारी पोकड़ बात है, बिल्कुल तालमेल नहीं है उसमें। बोलो कोई क्वेश्चन है? प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो ये टॉपिक आज यहाँ बंद करेंगे। हाँ, मजा आई, ऐसे ऐसे एक एक छोटे छोटे मुद्दे को अगर आप
क्लियर करोगे ना तो ही पूरा दिमाग में बैठता जाए कि जो केवली ने देखा है वो सच में सही, केवली ने देखा और वही बताया, भगवंत देखे देखते हैं फिर वही बताते हैं, तो जो देखकर बताएंगे वो तो जो है वही बताएंगे। साइंस की दृष्टि रोज बदलेगी, रोज ज्यादा ऊंचाई तक देखने वाले टेलीस्कोप आते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी दृष्टि बदलती जाए। जैसे थोड़े उपग्रह और ऊपर भेजेगा ना, जहां अभी अभी यहां तक भेजा है, अभी उसने यहां तक भेजा है, फिर और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तब वो और चीज बताता जाएगा, तब उसको आगे की पृथ्वी भी दिखेगी। अभी खाली 6 खंड की पृथ्वी दिख रही है, वो ऊपर भेजेगा तो आगे की दिखेगी ना। देखो यहां ध्यान दो, आप यहां से थोड़े ही ऊपर, वो भी वैसे बाहर भेज रहा है, साइड में भेज रहा है, तो जैसे ही ऊपर भेज रहा है तो थोड़ी दिख रही है, ज्यादा ऊपर भेजेगी तो आगे के दिखेंगे ना, और ऊपर जाएगा तो पूरी तक दिखेगी। तो वो ऊपर का ऊपर ऊपर तक भेजेगा तब आगे की दिखेगी, अभी उसको सिर्फ 6 खंड का भरत क्षेत्र ही दिख रहा है, आगे जमीन है, आगे पृथ्वी है, आगे मनुष्य रह रहे हैं, वो भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है। चलो हाँ, तो परमात्मा ने जो कहा है उस हिसाब से आज के वातावरण को देखो, आज की आबोहवा देखो, ग्रह मंडल के घूमने की तरीके को देखो, बस अगर वो साबित हो रहा है तो जो भगवान ने कहा है वो सही है। अगर ये हम जानेंगे, इस चीज को मानेंगे, अपनी बुद्धि से इसको जजमेंट करेंगे तो ही ये सम्यक ज्ञान बनेगा। नहीं तो ये जानने के बाद भी भगवान ने तो कहा है दिख रहा है, पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, आकाश में तो हमको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर आपने ये मान लिया कि नहीं पृथ्वी तो इतने सारे टेलीस्कोप ऊपर गए हैं, इतने सारे उपग्रह गए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, उसने ओजोन वायु ढूंढ लिया, उसने ये ढूंढ लिया, तो डेफिनेटली वो कह रहा है सच, आप यही सोचोगे तो कहां से सम्यक ज्ञान बढ़ेगा बताओ? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो हमें ये दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान की समीक्षा करना है, उसको समझना है, समझोगे तो ही वो सम्यक ज्ञान होगा। अगर उसने आपने उसको समझा नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक्सेप्ट में शंका रहेगी, शंका कंख विगिच्छा पसंसतः संधोकुलिंगी सो, यही तो है मिथ्यात्व का प्रकार, जो 5 मिथ्यात्व है ना वो यही है, शंका, परमात्मा की कई बातों पर शंका करना, कंख मतलब आकांक्षा करना, कांक्षा करना, कांक्षा आकांक्षा का मैं ही कांक्षा शब्द आ जाता है, एक शंका करना अलग है, कांक्षा करना मतलब ये चीज ऐसी हो सकती है ये मान लेना, शंका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, और कांक्षा का आकांक्षा कांक्षा का मतलब ऐसा हो सकता है, उसमें भी तो शंका ही हुई ना। पछी वितिगिच्छा, विगिच्छा मतलब जो हो गया जो हुआ जो बोल दिया, हो सकता है वो पहले बताया है, मैं थोड़ी वहां पे हाजिर था, आज भगवान तो है नहीं सामने। पछी पसंसतः संतवो मतलब दूसरों की प्रशंसा करना, भगवान ने कहा है उससे ज्यादा ये सही बता रहा है, भगवान ने तो खाली बोला है हमको बताया नहीं, साइंस विजुअल बता रहा है, वो तो सारे विमान और उसके वो फोटो ला ला के दिखा रहा है, तो फोटो ला के दिखा रहा है तो वो जरूर सही है, हम ऐसा सोच सकते हैं ना। फिर कुलिंग, कुलिंगी मतलब दूसरे साधु संत की बात सही मानना, भगवान ने तो खाली बताया, वो दूसरे हिंदू वाले तो चमत्कार करते हैं, वो मिट्टी में इस मिट्टी का सोना बना देते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं, होते है कि नहीं होता है? तो ये चमत्कार मान के दूसरे कुलिंगी की प्रशंसा सुन के उनकी प्रशंसा करना और उनको मानना, ये सारे सम्यकत्व के अतिचार हैं, सम्मतस्य इयारे, समझ लो ये सारे सम्यकत्व के अतिचार हैं, मतलब आपके सम्यकत्व को अतिचार लग गया, समझ में आई अभी मेरी बात? सम्यक ज्ञान को अतिचार कौन लगाएगा? शंका कांक्षा वितिगिच्छा, दूसरे लिंग की प्रशंसा, दूसरे साइंस वायंस इत्यादि की, भगवान की बात केवली को छोड़ के दूसरों की प्रशंसा, और केवली धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म का आचरण,
ये पांच ही है जो सम्यक सम्यक दृष्टि जीव के सम्यकत्व को अतिचार लगा देता है, उसको अतिचार लगना ही मिथ्यात्व। सम्यकत्व को अतिचार लगना ही मिथ्या दृष्टि। तो हमें भगवान की बात जाननी है, उसका अर्थ गठन करना है, उसको आज के प्रमाण से मिला के कंफर्म करना है कि नहीं भगवान ने जो कहा है वैसी ही आबोहवा सही है। उसी रूप से पृथ्वी जमीन पे हो, सूर्य चंद्र आकाश में घूम रहे हो, तो ही आबोहवा बन सकती, तो ही अंदर 500 योजन के अंदर के उत्तरी भाग में हमेशा बर्फ मिलेगी और बाहर के भाग में हमेशा गर्मी मिलेगी। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो हाँ, दक्षिण ध्रुव में बर्फ है तो उसका कारण भी है, क्योंकि पानी के अंदर के जो प्रदेश है उसी में बर्फ, पानी से बाहर नहीं। पानी के अंदर प्रदेश हो सकते हैं, आप विमान में बैठ के वो प्रदेश जैसे ही, क्योंकि पानी अंदर आने से ही तो द्वीप बने हैं ना, अगर पानी नहीं अंदर आता तो वहां द्वीप बनते क्या, ये बताओ। चलो बनते, नहीं पानी अंदर आता गया ऐसे ही वहां की जमीन पे भी ऊपर नीचे उतर नीचे, जैसे धरतीकंप होते हैं, जैसे सुनामी होते हैं, धरती ऊपर नीचे होती है। तो पानी अंदर आया और वहां पे धरती जमीन, क्योंकि भरत क्षेत्र की जमीन के बदलाव प्रत्यावतार तो रोज बदलते हैं। ये जो धरतीकंप होना या जमीन फटना या कहीं से द्वीप खड़ा होना, ये पहले नहीं होता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे आरे में कुछ नहीं होता है, ये पांचवे छठे आरे का प्रोसेस है जमीन का बदलाव। तो पहले आरे में वहां पे कोई द्वीप कोई जमीन नहीं थी, सादी सिंपल अपनी भरत क्षेत्र की ही भूमि थी। आज वो भूमि के नीचे भी सुनामी और बदलाव आ गया, पहले नहीं होता था। तो आज अगर वहां पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या फिर और कोई द्वीप बने हैं तो कोई सरप्राइज नहीं है उसमें, ये सारी नई प्रजा वहां जाके बसी है, ठीक है। उसको आपको पहले के पहले दूसरे आरे के देव युगलिक भी नहीं मानना है उनको, ऐसा नहीं सोच लेना है कि ऐसा पहले भी होगा। समझ में आ रहा है आपको, भूमि का बदलाव समझ में आ रहा है, भूमि में परिवर्तन पांचवे छठे आरे की ही देन है। ठीक है, कोई प्रश्न? नहीं, नींद उड़ जाएगी। आज का चैप्टर दूसरी बार जरूर सुनना, रिकॉर्डिंग, नींद उड़ जाएगी सबकी। ठीक है, अभी बंद करें, आज 8:30 हो गए, लेकिन चैप्टर पूरा होना बहुत जरूरी था। ओके तो रजा लेते हैं। जय जिनेंद्र, जय। ध्यान से दूसरी बार भी जरूर सुनना, और कोई क्वेश्चन हो तो अगले क्लास में जरूर करें। ओके, जय जिनेंद्र, प्रणाम। हाँ।